हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं, ये आपकी 7 जून 2024 को जारी की गई है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और ये विज्ञप्ति है जो आपके एग्ज़ाम के संबंध में है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आप राज्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस नाम से, उसको ज़रूर देखें क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 के सारे पेपर मैंने हल करा रखे हैं, जो भी कंडक्ट हुए हैं उन सारे पेपर को हल करा रखा है। और जो भी आप उनको अगर हल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पेपर बन रहा है और बनने की संभावना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, देखते हैं। इसमें देखते हैं, अतः द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आर्य अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 के नियम 5 में उल्लेखित प्राविधान के क्रम में पदों के सापेक्ष एपीआई की मेरिट के आधार पर श्रेणीवार उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को औबंधिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। औबंधिक नवीन शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी के संबंध में सूचना विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। नवीन शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों से संबंधित अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 24 जून 2024 सोमवार तक उपलब्ध कराए जाने हैं। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी अभिलेख पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर विषय अंतर्गत विज्ञप्ति दिनांक 8 दिसंबर 2023 के क्रम में अनार्य सूची अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमान्य अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को दिनांक 22 दिसंबर 2023 तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण माननीय आयोग द्वारा कर दिया गया है, जिसके क्रम में उक्त विषयों के अंतिम रूप से अनार्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें तथा अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। यानी कि आयोग ने साफ कह दिया है कि आपको पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी, आप इसको ही मानने, और जो भी आपने प्रत्यावेदन लगाया था आपका निस्तारण कर दिया गया है, उनका उस पर विचार करते हुए उसका निस्तारण कर दिया गया है। और इसमें आयोग ने यह भी कहा है कि आपने जो भी एपीआई के आधार पर स्कोर बनाया है उसमें अनार्य अभ्यर्थी या आर्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे तो अतिरिक्त अभ्यर्थी को बुलाया गया था, जिस कारण उसमें ऐसे अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया जो उससे कम आए थे, कम थे नियमावली से, तो उनको और अतिरिक्त अभ्यर्थी को बुलाकर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, उनको मौका दिया गया। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।